न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कह सकते हैं हम लोग क्या, इसको टू एवरी एक्शन दे आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पढ़े तो टेंथ में, नाइन्थ में, हम लोग क्या सकते हैं एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। और इसको क्या कहा जा सकता है, और कह सकते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अब जैसे ये ए है और बी है, दोनों के ऊपर यदि हम फोर्स लगाएंगे, जैसे ले लिए मान लो ऐसा कुछ, एक हमारा ये बॉडी है, एक हमारा दूसरा बॉडी है, यदि दोनों पहले दूर था, जब दोनों पास में गया तो क्या किया, फोर्स लगाया, तो एक फोर्स ये लगाने वाला, दूसरा फोर्स ये लगाने वाला। तो हमेशा जैसे मान लो कि तुम डेस्क पे बैठे हुए हो, किसी भी चीज पे बैठोगे, यदि बैठे हो तो क्या हो रहा है, तुम फोर्स लगा रहे हो बेंच के या डेस्क के ऊपर, और डेस्क और बेंच क्या लगा रहा है, तुम्हारे ऊपर। इसका मतलब दो लोग है, एक एक्शन करने वाला और दूसरा उसका रिएक्शन देने वाला। एक कौन है एक्शन करने वाला, दूसरा कौन है रिएक्शन देने वाला, एक एक्शन और दूसरा क्या देने वाला, रिएक्शन। यदि ये हमारा टूल है, इसके ऊपर मान लो कोई बैठ गया तो क्या करेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उतना ही इक्वल फोर्स ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। तो नीचे वाला फोर्स कौन लगा रहा है, नीचे वाला टूल लगा रहा है, और ऊपर वाला फोर्स कौन लगा, जो बैठा हुआ है बहादुर। ठीक, तो कह सकते हैं फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स ऑन बी बाय ए। इसका क्या मतलब है, ए का देखोगे डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, जबकि बी के ऊपर डायरेक्शन क्या है, ए के ऊपर डायरेक्शन क्या है, यही है ना हमारा, ए के ऊपर का डायरेक्शन क्या है, ए के ऊपर का डायरेक्शन है हमारा ये डायरेक्शन है, मतलब कितना राइट टू लेफ्ट, जबकि बी के ऊपर का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पे हम एक को नेगेटिव साइन लगाएंगे तभी ना इक्वल होगा। तो हम लोग क्या कर दिए, नेगेटिव कह सकते हैं फोर्स ऑन ए किसके कारण, फोर्स ऑन ए बी के कारण, फोर्स ऑन ए बी के कारण, और बी के ऊपर फोर्स किसके कारण, ए के कारण। तो दोनों का डायरेक्शन अलग लिख सकते हैं, फोर्स ऑन बी बाई ए क्या होगा, दोनों पे एक दूसरे के अपोजिट। यहां भी कितने बॉडी है, बॉडी ए और बी दो बॉडी है। ये हमेशा जो न्यूटन का थर्ड लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एक सिंगल बॉडी के ऊपर न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, किसके लिए, इसके लिए क्या कंपलसरी है, दो बॉडी का होना कंपलसरी है। हम लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। चलो इसको नोट करो, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे क्या है कहानी, एकदम गौर से देखोगे, यहाँ पे एक नाव है, ये जो है वो नाव है, ये हमारा क्या है बहादुर है, ये नाव और बहादुर क्या गुल खिला रहा है। अब इसको इसको हो गया प्यार, क्या करेगा, जाके नदी में कूद मरेगा। प्यार होने के बाद क्या करते हैं लोग, प्यार होने के बाद इंसान क्या करता है कि उसको प्यार नहीं मिलता है तो कूद जाता है नदी में, जाके आत्महत्या कर लेता है। तो ये हमारा क्या है, बोट है, और ये क्या है, लवर है। अब ये लवर जो ही नदी से कूदने जाएगा तो क्या करेगा, ये जो ही नदी में कूदेगा तो ये एक्शन कर रहा है, उसका रिएक्शन किसके ऊपर, नाव के ऊपर। तो कभी कभी देखते हो जो ही ये कूदेगा तो नाव को कैसा डायरेक्शन मिलेगा, इस तरह भागेगा नाव, और ये क्या जाएगा आगे। यदि इधर फोर्स लगा, दूसरा रिएक्शन किसके ऊपर होगा, जैसे याद होगा अभी जस्ट बोले थे, यदि ये हमारा टूल है, इस पे मान लो प्रिया बैठा हुआ है, ओके, तो प्रिया इस पे बैठा हुआ, इसका मतलब क्या कर रहा है, प्रिया इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। यदि टूल नहीं टूटता है, प्रिया क्या है, हल्का फुल्का इंसान है तो नहीं टूल टूटता है, तो ये टूल भी क्या कर रहा होगा, इक्वल फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो टूल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स, और ये जो गोल मटोल बैठा हुआ उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स। तो यदि ये इस साइड फोर्स लगाएगा तब तो एक्शन में आएगा, तब तो ये कूदेगा, तो बोट पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस तरह। तो कभी भी नाव से कूदने के चक्कर में रहोगे, ठीक है, तो जो नाव पे बैठे हुए उनको भी तुम गिरा सकते हो, गिरा सकते हैं ना, जो ही हम इस पे कूदे तो क्या होगा, इस पे जो बैठे हुए उनका भी बैलेंस खराब होगा, क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स लगा, गिर सकते हैं। अब यहां देखो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिख रहा है, ये बहादुर है, ये कितना इसको खींच रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस
दूसरे साइड से क्या दीवार भी तो इसको उसी फोर्स के साथ खींच रहा है, यदि ये एफ लगा रहा है इस डायरेक्शन में तो ये भी हमारा क्या लग रहा है एफ लग रहा है। अब 500 किलोग्राम का है तो बहादुर अपना हाथी को भी खींच सकता है, यदि ये बहादुर रुका हुआ है कहीं नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही इस साइड का हाथी भी लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, हाथी तो है। अब यहां पे नोट करेंगे कुछ पॉइंट्स को, पहला क्या फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, अब यहां समझोगे आराम से क्या है, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, जो ही यदि मान लो दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो क्या कर रहे होंगे एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, यदि कॉन्टेक्ट में था बाहर कर रहे होते तो क्या करते, अभी मान लो दो लोग क्या है हाथ पकड़ के रोड पे घूम रहे थे, मान लेते हैं रोड पे घूम रहे थे, अब उसके देख लिए पप्पा ठीक है और दूसरे के देख ली मम्मी, तो क्या करेंगे दोनों को यहां हाथ पकड़े हुए खींचेंगे एक उस तरफ एक इस तरफ, तो क्या होगा दोनों में दो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों को अलग होना है ना, एक बॉडी इस साइड एक सब बॉडी इस साइड, दोनों को इस तरीके से खींचा जाएगा तो क्या होगा कुछ देर का हाथ छूटेगा, तो कह सकते हैं हमेशा फोर्स लगने के लिए कितने बॉडी होने चाहिए दो ऑब्जेक्ट। अब इस घोड़े को देख लो यहाँ क्या हो रहा है घोड़ा फोर्स लगा रहा है, जितना इधर फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, किसके कारण घोड़ा आगे कैसे बढ़ेगा फ्रिक्शन के कारण बढ़ेगा, वो जो ही पैर चलाएगा तो क्या करेगा आगे की तरफ फोर्स लगाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसके वजह से घोड़ा आगे बढ़ेगा, वही कहानी इसके चक्के के साथ भी होगी, फोर्स इस तरफ लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है उसका रिएक्शन फोर्स। अभी जैसे हम चल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं अर्थ के ऊपर धरती पे, तो क्या करते हैं उसको पुश करते हैं पुश, तो हमारा डायरेक्शन क्या था नीचे की तरफ था, तो पुश किया तो अर्थ भी हमको क्या लगाता है फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको वो क्या करता है पुश करता है बाहर की तरफ, तो हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो पहला फोर्स क्या है हमारा फोर्स कैसे होना चाहिए हमेशा पेयर में, एक्शन और रिएक्शन दो चीजें हैं दोनों दो बॉडी के ऊपर होनी है तो क्या होना चाहिए पेयर होना चाहिए। दूसरा कह रहा है फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज हेंस दे आर नेवर कैंसिल इच अदर। अभी जस्ट मान लो कि हम ऐसा बोले एक बॉडी बनाए ठीक है इसी के ऊपर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा दिए इसी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा मतलब एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। जैसे इसको हमने खींचा एक सिंगल बॉडी है दोनों साइड से हम फोर्स लगाएंगे इक्वल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा इस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है नेट फोर्स क्या होगा जीरो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है तो नेट फोर्स जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है बॉडी अलग अलग है इसके वजह से इस पे फोर्स हमको दिखेगा कि बहादुर आगे की तरफ बढ़ रहा है। फोर्स लगने का मतलब क्या है बॉडी में कुछ मोशन आना, मोशन क्यों आता है किसी बॉडी में उसे फोर्स लगता है तो हमारा क्या होता है दो अलग अलग बॉडी पे होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते। थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडी हैज रेस्ट एंड मोशन, दोनों केस में हमारा थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे मोशन में। फोर्थ पॉइंट क्या है थर्ड लॉ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा होता है क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है या इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन था जो चार्ज के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के बीच में जो लगता है या मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सबस्टांस के ऊपर लगाएगा, तो इसको नोट करेंगे। अब कुछ टर्म्स याद रखेंगे क्या याद रखें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्या चीज रियल लॉ ऑफ मोशन, क्यों क्योंकि इससे हम फर्स्ट लॉ को भी डिफाइन कर लेते हैं और सेकेंड थर्ड लॉ को भी डिफाइन कर लेते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव नॉर्मली क्या रहता है कि भाई रियल लॉ ऑफ मोशन कौन सा है, तो रियल लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है जो तीनों लॉ को बता दे, कोई एक बहादुर तीन आदमी का काम कर सकता है वो रियल है कि कोई एक बहादुर अलग काम कर रहा है दूसरा अलग काम कर रहा है तीसरा अलग काम कर रहा है कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अकेला कर रहा है तीन लोग के काम के बराबर तो उसको हम लोग लेंगे रियल, ये सब क्या है पार्शियल है, एक हथौड़ा चलाने वाला एक छेनी पकड़ने वाला एक कुदाल चलाने वाला, इस तीनों का काम यदि एक बंदा कर लेगा तो किसको इंपॉर्टेंस देंगे जो तीनों का काम कर ले, इसलिए क्या बोला था सेकंड लॉ को रियल, क्यों क्योंकि इससे फर्स्ट लॉ भी निकलता है सेकंड लॉ भी निकलता है थर्ड लॉ भी निकलता है, तो कह सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड ए रियल लॉ ऑफ मोशन, क्यों क्योंकि इससे फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन बाय इट। अब सेकंड पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली फॉर द इनर्शियल मास ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल मास ऑफ रेफरेंस का मतलब सॉरी मास ऑफ रेफरेंस का
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस होता क्या है, सिंपल सा, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसको एक फ्रेम की जरूरत होती है कि कहां से शुरुआत करें, ठीक है। तो किसी भी फ्रेम की जरूरत होती है, तो उसको इनर्शियल का मतलब क्या है, दो टाइप का भी जस्ट पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रिफरेंस। अब जैसे मान लो केशव का घर यहाँ पे है, तो इसका घर कहाँ ये कैसे पता, कहीं ना कहीं से एक फ्रेम लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, लेते हैं केशव लाल। तो इसका एक, इसका रेफरेंस लेंगे पहले क्या, कि चलो भैया केशव का घर है, केशव का घर कहाँ है, केशव का घर कोई बोल दिया भैया 1000 किलोमीटर है, कोई बोल दिया 5000 किलोमीटर है, कोई बोल दिया हमारा 10 किलोमीटर है। अब रेफरेंस पॉइंट किसी का लेके चल रहा हो, कोई कहेगा भैया चलो केशव का घर है वो स्टेशन से कितना दूर है, स्टेशन से, स्टेशन क्या होगा इसका रेफरेंस पॉइंट। तो ओरिजिन को हमेशा क्या मानते हैं, 00 को रेफरेंस पॉइंट, जैसे 0 माइल होता है, तो बता दिया भैया यहां से ये मान लो 5 किलोमीटर पे है। तो रेफरेंस किसी चीज का लेना होता है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करते हो, आजकल नौकरी करने के लिए क्या होता है, कहते हैं कि भैया रेफरेंस किसका है, कौन से नेता का रेफरेंस आपके पास। यदि आपके पास डायरेक्ट क्या बोलते हैं किसी एमपी क्या होते हैं एमएलए का रेफरेंस रहेगा, तो आपको सख्त से नौकरी मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो रेफरेंस हमेशा जरूरत पड़ता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, तो रेफरेंस हमारा ये हो गया। तो इनर्शियल का मतलब क्या हो गया, इनर्शिया का मतलब क्या है बंदा, इनर्शिया का मतलब क्या होता है बाबू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है, इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, इनर्शिया का मतलब है ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके पास क्या हो एक्सेलरेशन जीरो, इट मींस क्या कह सकते हैं, ये रेस्ट में है या यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। क्या वैसे धरती पर कुछ भी रेस्ट में नहीं है, क्या होना चाहिए बॉडी, रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो। जैसे तुम ट्रेन के लिए स्टेशन पर खड़े हो, ठीक है, तो तुम इनर्शिया में और रेस्ट के कंडीशन में हो गए या यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे होगे, लेकिन जो ही तुम्हारा ट्रेन स्टेशन पे आया, तुम्हारा मान लो S9 बॉगी नंबर था और वो आगे की तरफ जाने लगा, तो तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन तुम्हारे में आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, इनिशियली जीरो था, अब धीरे धीरे करके तुम एक्सेलरेशन लगाए, फोर्स लगाए ना अपने ऊपर, दौड़ना शुरू किए, तो क्या हो जाएगा, उससे तुम्हारे में एक्सेलरेशन आया, इसके वजह से तुम्हारे वेलोसिटी चेंज कर गई, तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा क्या है, सन अर्थ किसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, सन के रिस्पेक्ट में, तो सन को क्या माना जाता है, रेफरेंस पॉइंट। अब वो क्या है, क्या सन मोशन में नहीं है, सन भी मोशन में। तो इनर्शियल का मतलब क्या हो गया, हमारा कोई बंदू क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। अब कोई बंदा चुपचाप जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में प्लेटफॉर्म के बाजू में, अब बगल से ट्रेन जा रही है, तो क्या बोलेंगे उस इंसान के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, ट्रेन की वेलोसिटी, तो क्या कह सकते हैं, इनर्शियल में है, क्योंकि फ्रेम उसका क्या है, कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। ए फ्रेम ऑफ इन विच एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एंड द मेक हिज ऑब्जर्वेशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जैसे अभी जस्ट बताए क्या चीज, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो सब कुछ मेजर करने के लिए बैठा हुआ है, कहाँ कौन है, यहाँ पे मान लो एक ट्रेन चल रही है, तो इसी के रिस्पेक्ट में चली, यही बताएगा ना भाई कितने स्पीड से चल रही है। अब जैसे मान लो तुम जा रहे हो सड़क के ऊपर हाथों में हाथ डाल के, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यदि हाथों में हाथ डाल के जा रहे हो तो क्या कह सकते हो, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी, जीरो। गुड। अब ये भी हमारा जा रहा था वी वेलोसिटी के साथ, ये भी हमारा जा रहा था वी वेलोसिटी के साथ, दोस्त के साथ हाथ में हाथ डाल के चलते हैं ना लोग, तो मेरा भाई है, तो दोनों जा रहे थे सेम रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी भी जीरो, इसके इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जीरो, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जीरो। लेकिन मान लो यहाँ पे प्रिया का रंजन खड़ा है, ठीक है, देख लिया कि मेरा दोस्त के साथ, मेरे दोस्त के साथ कोई और जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये जा रहा है तो इसके ये अब क्या है, ये इसका जीरो है, ओके।
इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना, जीरो। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना, जीरो। लेकिन वेलोसिटी ऑफ सी, अब सी जो देख रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सी के, ये तो जीरो नहीं होगा क्योंकि ये तो चल रहा है, ये रुका हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, देखने वाला बंदा, तो ये चलता हुआ दोनों दिख रहा है, ये भी बंदा इसको देख रहा था तो क्या चल रहा था भाई, रुका हुआ है। ये बंदा इसको देखेगा तो क्या कहेगा, रुका हुआ है। ये बंदा मान लो इसको देखेगा सी को, तो क्या कहेगा, सी क्या है, रुका हुआ है कि चल रहा है, क्या बोलेगा। यदि ए और बी में से कोई सी को देखेगा तो क्या बोलेगा, वो रुका हुआ है कि चल रहा है। अगर नहीं, ये ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है, नॉट जीरो है, तो ये दोनों यदि देखेगा इसको तो सी क्या है, रुका हुआ है कि चल रहा है। कभी चंदा मामा देखे हो ट्रेन से, देखा है, हाँ, तो चंदा मामा देखा है बुआ, तो चंदा मामा को यदि ट्रेन से देखोगे तो चंदा मामा चलते हुए दिखते हैं, दिखते हैं, लेकिन ट्रेन जब चल रही हो तो, लेकिन वही रात के टाइम में चंदा मामा को देखोगे तो क्या क्या देखते हैं, चंदा मामा रुके हुए हैं, कभी कभी ऐसा एहसास होता है चलता है, नॉर्मली क्या रहते हैं, लगता है कि रुका हुआ, काफी दूर तक देखोगे तब पता चलेगा हाँ बादल वादल इधर गया। तो नॉर्मली जब हम क्या है रेस्ट कंडीशन में, तो चांद भी क्या दिख रही है, रेस्ट। लेकिन जब हम मोशन में आते हैं तो चांद भी हमको मोशन में दिखने लगता है, इसका मतलब थोड़ी ना उस वक्त चांद तुम्हारा पीछा कर रहा है, चंदा मामा को देखोगे ट्रेन में बैठ के तो लगेगा तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, या ट्रेन के अंदर बैठे हुए बाजू के पेड़ पौधे को देखोगे, इंसान को देखोगे तो क्या फील करोगे कि वो चल रहा है, हम रुके हुए हैं, कहीं फील किए हो। तो किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में किसको देखा जा रहा है वो डिपेंड करता है। तो ट्रेन जब में हम बैठे हुए हैं, बाहर जो पेड़ पौधे चलते हुए नजर आते हैं, इसका मतलब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, हम है, जो हम लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो जब हम मूविंग कंडीशन में, तो क्या रेस्ट वाला ही बंदा हमको दिख रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, ट्रेन के अंदर, और किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन के बाहर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर हमारा है। अब ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है, ट्रेन के बाहर कोई बंदा खड़ा है, वो क्या देख रहा है, ट्रेन चल रही है, तो मतलब क्या है, ऑब्जर्वर बाहर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हमारा बाहर है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेन है, हम आ सकते हैं। सिंपल सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसमें हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ होता है और सारा चीज ऑब्जर्व करता है, मतलब यहाँ बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये चल रहा है कि रुका हुआ है। अब इसमें दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जस्ट अभी देख रहे थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा क्या था, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे समझ लो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, और नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होना चाहिए, जिसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो। अभी देखते हैं आगे, इसको नोट कीजिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कैसा होना चाहिए, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और विच इज इन मोशन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कह सकते हैं यदि कोई बंदा रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है इसके लिए, होल्ड गुड। अब इसको और क्या कहा जाता है, न्यूटोनियन गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्यों कहते हैं हमारा, या एक्सेलरेशन हम लोग जीरो यहां बोले तो इसको हम कह सकते हैं अनएक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन रहता तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते, एक्सेलरेशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, अनएक्सेलरेटेड, ठीक है। तो यहां अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तीन नाम से जानते हैं, छोटा मोटा एग्जाम जैसे होता है, बैंक पीओ का हो गया, रेलवे का हो गया, इस सब में भी फिजिक्स पूछा जाता है, उसमें तुमको ये काम देने वाला है। आइडियली नो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट इन नेचर, हम जस्ट क्या बोले थे, याद होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब बात कर रहे थे, तो आइडियल केस मतलब कोई भी धरती क्या, यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो रेस्ट कंडीशन में। यदि अर्थ घूम रहा है किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में, सन किसके रिस्पेक्ट में घूम, मून किसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, सन के भी रिस्पेक्ट में घूम रहा है, और किसके, अर्थ के रिस्पेक्ट में भी घूम रहा है। सन भी हमारा क्या है, पूरे अपनी गैलेक्सी के साथ किसी के रिस्पेक्ट में घूम रहा है,
यहाँ कुछ भी रेस्ट में नहीं है। अभी तुम बोलोगे कि हम तुम बैठे हुए आराम से बिछावन के ऊपर, इसका मतलब तुम रेस्ट में हो, नहीं हो। जब अर्थ जिसके ऊपर तुम बैठे हो वही जब घूम रहा है तब तुम कैसे रेस्ट में हो गए? तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। तुम रेस्ट में हो किसके रिस्पेक्ट में, इस दीवार के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। तो आइडियली क्या कह सकते हैं, नो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट इन नेचर। एग्जाम्पल जैसा लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट एट रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो क्या कहेंगे, वो लिफ्ट हमारा क्या है? लिफ्ट यदि रेस्ट कंडीशन में है तो उसको क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कह सकते हैं, या मूविंग किसके, यूनिफॉर्मली डाउनवर्ड या अपवर्ड, सेम स्पीड से ऊपर या नीचे जा रहा है तो हम क्या क्या कह सकते हैं उसको, वो भी हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और या हम लोग क्या जा रहे हैं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट मतलब एक्सलेशन क्या, जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है, यही होता है ना। तो इसका क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा समझ में आया बाबू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब? तो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या समझे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि बॉडी हमारा क्या हो, रेस्ट कंडीशन में हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, या बॉडी मोशन में हो चलेगा लेकिन उसका एक्सलेशन जीरो होना चाहिए। जीरो एक्सलेशन का मतलब क्या, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सलेशन जीरो का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जब चेंज नहीं कर रही होती है उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा हमारा ये तो इनर्शियल था तो एक्सलेशन जीरो था, दूसरा क्या होगा, नॉन इनर्शियल। कह सकते हैं नॉन इनर्शियल को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होगा, कैसा, अभी जो था नॉन एक्सीलरेटेड हमारा था, क्या था, नॉन एक्सीलरेटेड था, उस टाइम में हम क्या बोले उसको, इनर्शियल। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे क्या बउआ कि यूनिवर्स में कोई भी चीज इनर्शियल कंडीशन पे नहीं है, मतलब रेस्ट कंडीशन नहीं है। तो प्रैक्टिकली बोला जाए सारे के सारे क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कह सकते हैं क्या है, सारे के सारे तो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल होगा तो न्यूटन लॉ वैलिड नहीं हुआ, तो कह सकते हैं न्यूटन लॉ नॉट एप्लीकेबल। एक्चुअल कहानी किसकी होती है, प्रैक्टिकली सारे के सारे क्या है, मोशन में है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। कह सकते हैं एक्सीलरेटेड नहीं है, किसी का कभी हो सकता है वेलोसिटी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, सारे के सारे क्या हो गए, नॉन इनर्शियल। न्यूटन्स लॉ हम भी इसका काम करेगा किसके लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए, या रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए। जैसे कार मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हमारा है, इसके अंदर हमारे यहाँ की स्पीड भी हमारा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सब जगह तो स्पीड सेम है लेकिन क्या सब जगह वेलोसिटी सेम है, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, तो सब जगह वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन स्पीड सेम है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काउंट करेंगे। दूसरा चीज क्या है, लिफ्ट विच इज मूविंग किसके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन। जैसे रस्सी टूट गई लिफ्ट की तो क्या होगा, वहां पे एक्सेलरेशन काम करता है। यदि लिफ्ट से तुम ऊपर जा रहे हो 200 मंजिल पर पहुंच गए बुर्ज खलीफा पे, ओके, अब मान लो उस समय कोई तुम्हारा बदमाश दोस्त था उसने रस्सी काट दी, तो तब लिफ्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आना शुरू होगा, होगा तो नीचे की तरफ क्या उस समय उसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा, होगा, कौन सा एक्सेलरेशन होगा पता नहीं, हाँ उसके ऊपर उस समय काम जी काम करना शुरू कर देगा किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस समय हमारा क्या हो गया, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो यदि किसी के पास कुछ एक्सेलरेशन हो, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या करती रहेगी, चेंज करती रहेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीसरा, प्लेन विच इज टेकिंग ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, टेकिंग ऑफ का मतलब क्या है, ये हमारा रनवे, रनवे पे देखोगे जब प्लेन का टेक ऑफ होता है तो इनिशियली धीरे 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 करके उसकी स्पीड बढ़नी शुरू होती है, तब जाके ये हवाई जहाज हवा में पहुंचता है। तो कंटिन्यूअसली क्या है उसमें, एक्सलेशन आ रहा है, एक्सलेशन आने से क्या होगा, चेंज करेगी वेलोसिटी, चेंज करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।